रांची से सांसद संजय सेठ ने रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके मुताबिक राज्य सरकार अनलॉक में सब कुछ खोल रही है, ट्रेनों के परिचालन की भी इजाजत देनी चाहिए जिससे लोगों की परेशानी कम हो। झारखंड में ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है, यह मानना है रांची के सांसद संजय सेठ का। वे चाहते हैं कि रांची से ट्रेनों का फेज वाइज परिचालन शुरू हो ताकि लोगों को इससे सुविधा मिल सके। सांसद संजय सेठ ने रांची रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और व्यवस्था को संतुलित माना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तमाम चीजें खोल रही है तो ट्रेनों के परिचालन की भी इजाजत दी जानी चाहिए। रांची से लोहरदगा, लोहरदगा से रोजाना हजारों हजार लेबर आते थे जिनका पेट चलता था। रांची से डाल्टनगंज, रांची से पटना, रांची से जयनगर, रांची से कलकत्ता हमने डिमांड किया, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर हम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से पिछले हफ्ते मिलने गए, विनोद कुमार यादव जी से, रेल मंत्रालय, उन्होंने साफ कहा हमने तो ट्रेन चला दी थी, राज्य सरकार ने बंद करा दिया। हम अभी भी ट्रेन चलाने को तैयार हैं, बशर्ते राज्य सरकार अनुमति दे। राज्य सरकार अनुमति दे दे तो 24 घंटे के अंदर भारतीय रेल यहां से ट्रेन चलाने शुरू कर देगी। रांची होकर सामान्य दिनों में 56 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, आज सिर्फ दिल्ली राजधानी चलती है। रांची रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने सांसद को कोविड-19 के तहत व्यवस्था की पूरी जानकारी दी। रांची रेल मंडल के DRM ने कहा कि वे तैयार हैं, जैसे ही अनुमति मिलेगी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास कोच हैं, हमारे पास इंजन है, हमारे पास क्रू है, गार्ड हैं, सारे स्टेशन रेडी हैं, मेरे स्टेशन मास्टर्स हैं, जितने स्टेशन है सारे लोग रेडी हैं। कोई अप्रिहेंशन नहीं है, गाड़ी तो ऑलरेडी चल ही रही है, फ्रेट ट्रेन चल रहा है, तो मालगाड़ियां इसको बोलते हैं, पैसेंजर ट्रेन जो दो पेयर यहाँ पर राजधानी चल रही है, एक और जो सिकंदराबाद से दरभंगा जाती है वो ट्रेन चल रही है, तैयारी तो है ही, 24 आवर्स काम हो रहा है। रांची रेल मंडल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा और जितनी संख्या आवश्यक होगी उतनी ही संख्या में ट्रेनों का परिचालन होगा। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।